अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांत गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं वो बड़े महंगे, हम लोगों की सैलरी समय पे नहीं मिलती, तो थोड़ा मसला है। शुक्र करो कि आज हमारे हाथ में ये माइक है। अगर कल को इस माइक की जगह कुछ और हो जाए तो खुदा की कसम, ईरान की तवारीख में लोगों ने इतना खून खराबा नहीं देखा होगा जितना कि अब होने वाला है। दोस्तों, आज जिस एक्टर की मैं बात कर रहा हूं, उनके माता पिता चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, लेकिन वो तो एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को छोड़कर एक्टर बन गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा खासा नाम बनाया, और वो थे दमदार आवाज और शानदार पर्सनालिटी के मालिक नरेंद्र झा। लेकिन फिलहाल परिस्थिति और प्रूफ दोनों ही तुम्हारे भाई के खिलाफ जाता है शरा, और अगर मेरा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे भाई तक पहुंचा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक्चुअली आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे डैड ने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ये जो हमारी लेगेसी है, इसे हमारा बेटा आगे नहीं ले जा पाएगा। 2 सितंबर 1962 में पैदा हुए थे नरेंद्र झा, मधुबनी में, जो बिहार में है, एक बहुत पढ़े लिखे फैमिली में। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था, इसलिए अपने स्कूल की फंक्शंस में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, और बचपन से उन्होंने मन बना लिया था कि एक दिन वो जरूर एक्टर बनेंगे। लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू तो की, लेकिन एक्टर बनने की चाह इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी बीच में छोड़ दी और दिल्ली में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर ज्वाइन किया। वहां पे एक्टिंग बाकायदा सीखी और डिप्लोमा लेके सीधा मुंबई आ गए, और मुंबई आने के बाद क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें मॉडलिंग की ऑफर्स आने लगी, और देखते ही देखते वो एक बहुत मशहूर मॉडल बन गए और बड़े बड़े एड कैंपेन्स भी किए। मॉडलिंग में कामयाब होने के बाद नरेंद्र झा को टीवी सीरियल्स की ऑफर आने लगी। उनको लगा कि अब उनके एक्टिंग करने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। नरेंद्र ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली सीरियल थीफ ऑफ बगदाद से, जो आया था 2000 में। देखिए, अगर बगदाद में शैतान बसता है तो यहां इंसान भी रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेशकीमती चीजें जाफर के कब्जे से आऊंगा। कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स करने के बाद नरेंद्र झा को इंतजार था एक अच्छी फिल्म का, और उनकी ये तमन्ना पूरी हुई 2003 में, जब उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली और फिल्म का नाम था फंटूश। हम अभी महाराज बने नहीं हैं, किंतु कल यदि स्वयंवर में राजकुमारियों को कोई पसंद नहीं आया तो अपने वायदे के मुताबिक राजा अपनी एक राजकुमारी का विवाह मुझसे करवा देंगे, उसके बाद तुम मुझे महाराज पुकार सकते हो। फंटूश के बाद नरेंद्र झा की एक और फिल्म आई, जो डायरेक्ट की थी मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने। फिल्म का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द लास्ट फॉरगॉटन हीरो, जो आई थी 2004 में, और उसमें नरेंद्र झा ने राजा हबीबुर रहमान का रोल किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया। नरेंद्र झा कहते थे कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अपनी दूसरी फिल्म में ही इतने दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, यानी श्याम बेनेगल साहब के साथ, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जहिर नेताजी, इन जापानियों ने लड़कियों के ड्रिल के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से इस जगह को तैयार किया हमने कवायद के लिए। फिल्मों के साथ साथ नरेंद्र झा कई टीवी सीरियल्स में काम करते रहे, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, रावण, छूना है आसमान और हवन। नरेंद्र झा कहते थे कि मेरे लिए 2014 बहुत लकी ईयर था, क्योंकि उस ईयर में मुझे मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने बुलाया और कहा कि हमारी फिल्म में तुम्हारे लिए एक रोल है, लेकिन तुम्हें अपनी एज से बड़ा लगना है, हीरो के फादर का रोल है, क्या तुम करोगे? नरेंद्र झा बहुत खुश हुए और कहा कि मैं एक एक्टर हूं और तरह तरह के रोल निभाना मेरा पैशन है, मैं ये रोल जरूर करूंगा। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था हैदर, और नरेंद्र झा ने शाहिद कपूर के वालिद का रोल प्ले किया था।
और ये फिल्म आई थी 2014 में और ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी। मेरे बेटे हैदर को उसे कहना कि वो मेरा इंतकाम ले, मेरे भाई से। यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। नरेंद्र झा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन रोल किए, जैसे हमारी अधूरी कहानी, मोहनजोदारो, काबिल और रईस। धोखा किया तूने मेरे साथ मूसा, सोना बोलकर बारूद मंगवा लिया। बड़ा नेक काम किया तूने, जन्नत नसीब होगा। ठोक डाल बैटरी को। वाह, बहुत दिमाग लगाया तुमने रोहन भटनागर, लेकिन हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तुमने तो पूरा का पूरा गवाह छोड़ दिया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ नरेंद्र झा ने कुछ तेलुगु फिल्म्स भी की। अवतल वाळ्ळकि भयपड़ो, पोलीसुलकि जडिसो, सरुकक्कड वदिलि रावद्दु, पोट्टि चेतुलतो इक्कडकोस्ते अक्कड मिगिलिन प्राणालु इक्कड पोता। नरेंद्र झा ने शादी की 2015 में, उनकी बीवी का नाम है पंकजा ठाकुर। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से और अपने करियर से बहुत सेटिस्फाइड थे, बहुत खुश थे और उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली थीं, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नज़र लग गई। 2018 में उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, कुछ दिनों तक तुम काम नहीं कर पाओगे। इसलिए नरेंद्र झा अपनी बीवी पंकजा ठाकुर के साथ अपने फार्म हाउस जो नासिक में है वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन 14 मार्च 2018 की सुबह उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया और वे दुनिया छोड़ के चले गए एट द एज ऑफ 55। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मौत पहले दिन से हर एक के साथ है, मौत पहले दिन से हर एक के साथ है, जिंदगी की आखिरी सौगात है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।